हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू कान्हा चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, ना तो केक है ना ही आइस क्रीम, मुंह में जाते ही घुल जाने वाली ठंडी ठंडी मिठाई आप सबको बेहद पसंद आने वाले हैं। बच्चे हों या बड़े, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। इसे जब आप काटेंगे ना, तो जितना ये देखने में सॉफ्ट लग रहा है ना गाइस, बिल्कुल स्पॉन्जी लगेगा। काटने में तो आपको जो मज़ा आएगा ना गाइस, यकीन मानिए उतना ही खाने में मज़ा आने वाला है। जैसे ही आप मुँह में डालेंगे तो फटाफट घुल जाता है। तो चलिए फटाफट इस रेसिपी को बनाते हैं और देखते हैं कैसे बनता है। नारियल की खरबस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने जटा वाला नारियल लिया है, यानी जो पानी वाला नारियल होता है, बस उसे हमें लेना है। तो दोनों स्मॉल साइज़ के मैंने लिए हैं। अगर आपके पास एक बड़े साइज़ के हो तो एक नारियल लीजिए। यहाँ पर मैं दो नारियल ली हूँ। तो दोनों नारियल को पहले तोड़ के हमें निकाल लेना है इसका पानी, और जो अंदर का पार्ट है उसे हमें निकाल लेना है। तो लीजिए, मैंने वाइट पार्ट निकाल लिया है। जो ब्राउन पार्ट है उसे हमें हटा देना है। जो ब्राउन पार्ट है इसे हमें चटनी या तो सब्जी वगैरह मसाले में काम आ जाएंगे, तो इसे हम हटा देते हैं। जो वाइट पार्ट है लेते हैं ग्राइंडर जार, ग्राइंडर जार में डाल के इसे हमें बढ़िया से पीस लेना है। लगभग ये 2 कप के करीब मैंने नारियल लिया है। पहले इसे दरदरा सा पीस लेते हैं। लीजिए, मैंने दरदरा सा पीस लिया है, यानी कि 2 कप अब नारियल है। तो इसमें हम 1.5 कप के करीब पानी ऐड करेंगे, क्योंकि इसका हमें दूध अलग करना है, यानी कि नारियल का जो दूध होता है उसे हमें निकालना है। तो यहाँ पर 1.5 कप के करीब मैंने पानी डाल के इसे दोबारा से चरण कर लिया है। अब इसे लेते हैं एक पतीला, पतीले में लगा लेंगे एक छन्नी। और जो कोको नारियल है इसका हम सारा दूध निकाल लेते हैं, यानी नारियल का दूध हमें निकालना है। और जो बुरादा होगा उसे हम अलग कर लेना है। केवल हमें इसका मिल्क लेना है। अच्छा हाँ, यहाँ पर बाज़ार में भी आपको कोको मिल्क मिल सकता है, उसे आप ले सकते हो। इसे तोड़ने की अगर आपको लग रहा है कि तोड़ना, कौन तोड़ना चाहेगा, कौन इसका दूध निकाले, तो आप उस जगह मिल्क ले सकते हो, कोको मिल्क ले सकते हो। बाज़ार में मिलता है, बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम दोनों नारियल को तोड़कर इसका जो नारियल था उसे हमने पीस लिया है। 1.5 कप के करीब पानी डाल के इसका सारा दूध निकाल लेना है। अब इसे हमें हटा देना है, जो बुरादा पार्ट है नारियल का। अब यहाँ पर दूध आराम से निकल आया है, तो अब इसे हम साइड में रखते हैं। यहाँ पर इसी समय हम चीनी ऐड कर दे रहे हैं। 5 बड़े चम्मच यहाँ पर मैंने चीनी ऐड किया है, क्योंकि मेरा नारियल थोड़ा सा मीठा था, तो इस हिसाब से मैंने चीनी 5 बड़े चम्मच लिए हैं। अगर आपके नारियल थोड़े से कम मीठे हों तो थोड़ा सा 1/2 चम्मच ज़्यादा भी कर सकते हो आप मीठा। तो यहाँ पर मैंने 5 बड़े चम्मच चीनी ऐड किया है, उसी हिसाब से यहाँ पर हम 1/4 कप के करीब लिया है कॉर्न फ्लोर, जो इसे कहते हैं कॉर्न स्टार्च। तो इसे हमें डाल के धीरे धीरे इसे भी हमें मिक्स कर लेना है, यानी कि कोई लम्स गांठ नहीं होना चाहिए हमारे मिल्क में। यहाँ पर 5 बड़े चम्मच मैंने चीनी लिया था, 5 बड़े चम्मच ये कॉर्न स्टार्च लिया है। दोनों चीज़ों को हमें नारी वाले मिल्क के साथ अच्छे से मिला लेना है। अब यहाँ पर एक बाउल लेते हैं, पहले इसे ग्रीस करके रख देते हैं साइड में, क्योंकि इसी में हम जमाएंगे तो पहला ये काम कर लेना है, क्योंकि जब हम गैस की तरफ जाएंगे तो फिर दूसरा काम नहीं कर पाएंगे। तो इसे हम पहले ग्रीस करके एक तरफ रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने घी लगा दिया है, इसे साइड में रखते हैं। बढ़ते हैं गैस की तरफ। अब ये गैस को ऑन कर लिया है, इसे हमें लगातार चलाते रहना है, रुकना नहीं है, क्योंकि हमने कॉर्न फ्लावर डाला है तो जमने का थोड़ा सा वो हो सकता है कि ये नीचे से थम जाए। तो इसे लगातार आप चलाएंगे तो बिल्कुल नहीं पकड़ेगा। अगर आप रुक जाएंगे ना तो आपके लम्स गांठ बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये फटाफट गाढ़ा होता जा रहा है, देखते ही देखते ये देख रहे हो गाढ़ा होता जा रहा है। तो मीडियम आँच पर इसे बढ़िया से हमें लगातार चलाते हुए, हाई फ्लेम पर बिल्कुल मत करिएगा, लो फ्लेम पर जितना आप पकाएंगे उतना ही अच्छा आपका ये खरबस आने वाला है। और ये देख सकते हो बिल्कुल गाढ़ा होता जा रहा है। तो थोड़ा सा और पकाएंगे, तो इसे लगातार चलाते हुए हमें थोड़ा सा थिक कर लेना है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है। अब इसे हम हटा देते हैं और कलछी से दिखाते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट है। अब इस पर हम एक लाइन खींचेंगे तो बिल्कुल ये टच नहीं होगा एक दूसरे में, और इसकी कंसिस्टेंसी यानी कि आपको परफेक्ट मालूम हो जाएगा। तो अब गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद, और इसे हम दिखा देते हैं, और देख सकते हो बिल्कुल नहीं फैल रहा है। तो गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद, ऐसे उतार लेते हैं हम नीचे। अब फटाफट हम इस बाउल में पलट लेते हैं, जितना भी बैटर है इसमें बाउल में पलट लेते हैं। ऐसे थोड़ा सा हम रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, और जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो इसे हम 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो ये अब छूने लायक हो गया है, अब इसे हम फ्रिज में रख देते हैं। और यहाँ पर
फ्रिज में से निकाली हैं और इसे हाथों से छू रहे हैं तो बिल्कुल नहीं हाथों में टच हो रहा है, यानी कि 4 घंटे के बाद मैंने फ्रिज से निकाला है। इसे पलट लेते हैं और बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है, बिल्कुल डैप डैप करने की ज़रूरत नहीं। और देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्पॉन्जी हमारा ये खनवस बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे गार्निश करने के लिए थोड़ा सा हम पिस्ते के कतरन लगाएंगे, बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर देते हैं थोड़े से सूखी पत्तियों से, गुलाब की पत्तियों से थोड़े से, और बहुत ही सुंदर ये हमारा खरवस बनकर तैयार हो गया। खाने में जितना टेस्टी लगेगा गाइस, उतना ही बनाने में आपको मज़ा आएगा। सो गाइस, अगर ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे एंड बाय बाय।